गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नवीं कक्षा का पाठ। मैं आपको पाठ लिख चुकी हूँ, वहां पे नवीं कक्षा की कविता हम कह सकते हैं। तो चलना हमारा काम है। क्या है? चलना हमारा काम है। चलते रहना चाहिए जीवन पथ पर। पथ मीन्स द्वार, पथ मीन्स रास्ता। जीवन के पथ पर चलना हमारा ही काम है, दूसरों का नहीं है। अगर हम अपनी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, करना है तो हमें ही चलना है, इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है बच्चों। तो चलना हमारा काम है। शिवलिंग सिंह सुमन है। कौन है? शिवलिंग सिंह सुमन है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि शिवलिंग सुमन सिंह सुमन का जन्म सुमन पहुंची 5 अगस्त 1915। 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के राज्य के उन्नाव जिले के झरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? हमारे शिवलिंग सिंह सुमन का जन्म हुआ था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कौन? सुमन जी ने। भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी पाई है। देखो कहाँ से? भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। इसी वर्ष उनको पद्मश्री, देखो कौन सा पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला है। इसको? सुमन जी को मिला है। तो पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है सुमन जी। पद्म भूषण देव पुरस्कार, सोवियत लाइट नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित हैं। कौन? सुमन जी हैं। शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित हैं। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर कब हुआ? तो जन्म इनका कब हुआ? 5 अगस्त 1900 को हुआ। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 27 नवंबर। नवंबर को इनकी मृत्यु होती है बच्चों, समझ रहे हैं ना आपको? तो नवंबर 2002 में, कब? 2002 इनकी मृत्यु होती है। किसकी? सुमन जी की। तो हृदय गति रुक जाने के कारण हुई थी, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हृदय गति रुक जाने की वजह से इनकी निधन हुआ था। तो इनके प्रमुख कुछ रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। युग का मेल, क्या है? युग का मेल, प्रलय सुजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उदय और विकास, गीत काव्य, प्रकृति पुरुष, कालिदास आदि हैं। 1974 में इनकी कृति मिट्टी के बर्तन, क्या है? मिट्टी के बर्तन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। किसको? सुमन जी को। आप सुमन जी भी कह सकते हैं, शिवलिंग सिंह सुमन इनका पूरा नाम है, तो आप उनको सुमन जी भी कह सकते हैं बच्चों। तो इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखे हैं और इनकी कविताओं को बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं बच्चों। तो देखो, मिट्टी के बर्तन नामक एक साहित्य को मिट्टी के बर्तन क्या है? इनकी एक कृति है। इस कृति पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये पुरस्कृत है। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 27 नवंबर 2002 में इनकी
मृत्यु हृदयाघाती यानी अपनी हृदय गति रुक जाने की वजह से, जो हैटा कहते हैं ना आप लोग, हाँ वैसे ही इनकी उससे उस हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। तो हम आज इनकी एक अच्छी सी कविता देखेंगे, कौन सी, चलना हमारा काम है। देखो कविता का शीर्षक दे सकते हैं बच्चों आप, चलना हमारा काम है। क्या है? चलना हमारा काम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि चलना किसको है, हमें है। तो यह कविता किस पर निर्भर है? एक जीवन का पाठ है बच्चों। क्या है? जीवन का पाठ है, आपके लिए है, छात्रों के लिए। जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भविष्य में बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस कविता में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है बच्चों। तो देखो आशा है कि बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती हैं। देखो जीवन के सफर में, सफर में प्रयाणा, जीवन के सफर में जब हम जाते हैं तो वहां पर पत्थर मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन उन सब रुकावटों को ध्यान ना देते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर उन सब समस्याओं को ध्यान ना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों एक दिन अवश्य हम क्या करेंगे, अपनी प्रगति हासिल करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। देखो अगर थोड़ा चला तो उसे वहां पर बहुत से कांटे पत्थर दिखने लगे तो वो क्या करता है? पीछे मुड़कर भाग आता है। ऐसे व्यक्तियों का कभी भी सम्मान नहीं होता बच्चों, जो अपनी कष्ट से जीवन के लिए जो प्राप्त करना चाहता है उसे जो प्राप्त करके आता है, उन पत्थरों को उन कांटों को अनदेखा करता है, उसका सम्मान होता है। एक तरफ विनोबा बाबा जी कहते हैं कि वे क्या थे? भूदानी थे। आपको स्मरण मैं कराती हूँ कि विनोबा बाबा कौन थे? भूदान यज्ञ करने वाले, यानी भूदान करने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वे समाज का कल्याण चाहते थे, देश का कल्याण चाहते थे वे लोग। वो कहते हैं कि जो मनुष्य कार्य करता है, जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, उसके साथ कौन होते हैं? स्वयं भगवान रहते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता बच्चों। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, हमारे रास्ते में आए हुए रुकावटों को हम क्या करना है? अनदेखा करना है, उन रुकावटों को बगैर देखे हम जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें लक्ष्य अवश्य मिलेगा, ऐसा कहते हैं। तो देखो मैं आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल ना पाऊंगा तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में, इसमें मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, रोड़ा अटकता ही रहा, पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। देखो कितनी अद्भुत कविता है बच्चों। कुछ साथ में चलते रहो, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गीत ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हम हर कदम उसकी सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है बच्चों। देखो यहाँ पर यह बता रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे चलना चाहिए, बच्चों को कैसे चलना चाहिए, समझ में आ रहे हैं आप लोग? तो कभी भी कष्ट को कष्ट ना कहना चाहिए। जब कष्ट आएंगे तो उसे सहने की आदत हमें होना चाहिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो गति प्रबल पैरों में हुई, बंधी हुई है, क्या है? गति प्रबल पैरों में बंधी हुई है बच्चों। गति का अर्थ होता है इक्वल टू, गति मीन्स चाल, यानी हमारा
धरती यानी हमारी स्पीड है वो, हमारे पैरों के हमारे जीवन की स्पीड यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखो गति प्रबल हाथों पैरों में भरी है। देखो हम बहुत हट्टे कट्टे हैं, भगवान ने हमें दो हाथ दो पैर दो आंख दो कान एक नाक सब कुछ अच्छा दिया है भगवान ने हमें, तो हमने मेहनत करने में क्या है? मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, मेहनत यानी परिश्रम करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने हमें दो हाथ दो पैर दे के भूई इस जमीन पर छोड़ा है कि मेहनत करके खा ले कोशिश कर। तो देखो बच्चों गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल है, प्रबल मीन्स बहुत मजबूत है अपने पैरों में, गति चल चाल है अपने पैरों में है, भरी हुई है, बहुत ताकतवर है मेरे पैर, मैं फिर क्यों पीछे हट लूं, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। देखो फिर क्यों मैं रहूं दर दर खड़ा, दर मीन्स अब नहीं जा सकता मैं आगे, द्वार पर क्यों खड़ा हूं, द्वार के बाहर भी जा सकता हूं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक चलते रहो तब तक अपनी प्रगति हासिल नहीं होती, हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जब तक कि अपना लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस जब एक बार हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो वहां पे हम खड़े होना चाहिए, हमारा लक्ष्य मिल गया, हमारी प्रगति हमें मिल गई, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता बच्चों हमें नहीं है। तो यहाँ पर यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सुमन जी की मेरे प्रबल बहुत, मेरे पैर बहुत प्रबल है, पैरों में फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, दर मीन्स रास्ते में यानी वहां पर यहाँ पर उनके पीछे इनके पीछे इनके साथ उनके साथ क्यों जाऊं मैं अकेला जा सकता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ अच्छा ही दिया है, दूसरों की आशा ना करते हुए मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। देखो आज जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, देखो आज मेरे सामने सामने की चित्रगढ़ रास्ता है इतना बड़ा, इतना सारा रास्ता है और मुझे सहायता करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं और क्यों पीछे हटूं, ये कहते हैं कि मैं और क्यों पीछे हटूं, पीछे हटने की कोई बच्चों बात ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, और चलना हमारा काम है, क्या है चलना हमारा काम है, जब तक ना मंजिल पा सकूं, जब तक हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते, मंजिल मीन्स गुरी लक्ष्य नहीं पा सकते, तब तक चलना हमारा, तब तक मुझे ना विराम है, विराम मीन्स आराम, विराम मीन्स आराम कह सकते हैं बच्चों, आराम, जब तक मुझे आराम नहीं है कि तब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त ना करूं, एक बार मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया तो मुझे आराम ही आराम है, समझ रहे ना बच्चों? तो देखो जब तक मैं मंजिल पा सकूं ना पा सकूं, मंजिल ना पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है चलना हमारा काम है, क्या है सिर्फ चलना हमारा काम है बच्चों। तो देखो मैं पूर्णता की खोज में इधर उधर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की रास्ता मीन्स पथ, रास्ता यानी पथ भी कहते हैं आप लोग और मार्ग भी कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं। देखो मैं पूर्णता की, पूर्णता इंटू अपूर्णता, विलोम शब्द है ये, पूर्णता अपूर्णता, मैं पूर्णता की खोज में, खोज मीन्स ढूंढना, क्या है खोज मीन्स ढूंढना है, जब तक मैं मेरे लक्ष्य को पूर्ण ना कर सकूं तब तक पूर्ण कर लूं दर दर भटकता ही रहता हूं, भटकना मीन्स उड़ाड़ू मुंडे सागू, तो दर दर भटकता ही रहा, कौन मंजिल यानी लक्ष्य होता है बच्चों, मंजिल लक्ष्य, देखे ना अब लक्ष्य होता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि विराम मीन्स
विश्रांति यानी आराम कह सकते हैं हम। आराम, खोज मीन्स ढूंढना, समझ में आ रहा है ना। पग मीन्स कदम, कदम पर आपको बहुत सारे प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा मीन्स कष्ट कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं आप। रोड़ा मीन्स मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है आपको। अगर आप एक अच्छे काम के लिए आप चल रहे हैं तो मुसीबतों का सामना करना जरूरी है। अगर आप इस मार्ग में मुसीबतें हैं ये समझकर आप वापस लौट आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप अपना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते और अपनी दिशा भी नहीं प्राप्त कर सकते बच्चों। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। कितना अच्छा सेंटेंस है, कितना अच्छा वाक्य है। प्रत्येक पग पर मैं जहां भी जाऊं, जो भी मंजिल पाने के लिए जाऊं, वहां पर मुझे एक ना एक पग मीन्स रास्ता कहते हैं, कदम कदम पर कहते हैं। रोड़ा अटकती ही रहा, रोड़ा मीन्स पत्थर आते हैं, ईंट आते हैं, कांटे आते हैं, रुकावट कह सकते हैं टोटली बच्चों। क्या कह सकते हैं टोटली, आप कह सकते हैं कि रुकावटें बहुत सारी आती हैं। पर वो निराशा क्यों मुझे, देखो कहता है उतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी निराश नहीं होना चाहिए हमें। निराशा आशा, देखो निराशा आशावादी होना चाहिए, आशा आशा, समझ रहे हैं ना बच्चों। कभी भी मनुष्य को निराशावादी होकर जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, कभी भी मनुष्य को आशावादी होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके विश्वास पर उसकी प्रगति टिकी होती है बच्चों। तो देखो रोड़ा अटकता ही रहा, पर वो निराशा क्यों मुझे, अरे मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं तो रुकावटें आएंगी, मैं निराशा क्यों करूं, उसमें नहीं करनी चाहिए बच्चों निराशा। तो जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, इसी को तो कहते हैं जीवन। किसको, जो प्रगति प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। पग पग पर दर्द सहना पड़ता है, पग पग पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसे। इसीलिए वे कहते हैं कि जीवन इसी का नाम है। अगर आपको दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा मिला कि जो कहे कि अरे भाई मैं तो इस प्रपंच में बहुत आराम से हूं, एक तो व्यक्ति ढूंढ कर लाओ आप लोग, नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को पूछो, हर मनुष्य से जाकर पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, वो सारी कहानी बताते जाएगा आपको। फिर भी मनुष्य को क्या करना है, उन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए, उन सब कष्टों को सहते हुए क्या करना है बच्चों, आगे जाना है। तो देखो यहाँ पर यही कहते हैं जीवन इसी का नाम है, जो कष्ट सहते हैं उसी का नाम जीवन है। आगे बढ़ना चाहिए, जीवन के पथ पर क्या करना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी वो मुसीबत आए उसका सामना करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो कुछ साथ ही चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, बहुत सारे लोग मेरे साथ में आए, मुसीबतों का सामना ना करते हुए कुछ लोग आधे रास्ते से ही लौट आए वापस, और कुछ लोग मैं तो निराशा हूं, वे लोग तो वापस चले गए, मैं भी जा सकता हूँ, नहीं, जितनी भी तकलीफ आए, जितने भी कष्ट आए मैं सहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, ऐसा समझना है। देखो कुछ साथ में चलते रहे, कुछ लोग मेरे साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, जो कष्ट नहीं सह सकते वो क्या करते हैं, बीच ही से लौट आते हैं बच्चों। तो प्रगति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, देखो कितना अच्छा वाक्य है बच्चों। जो मेरे साथ वापस आ गए कष्ट ना सहते हुए, उनके आने से क्या जीवन रुका, नहीं रुका। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, जीवन तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है बच्चों। तो जो गिरे सो गिर गए, जो रहे हरदम, जो गिरे सो गिरे, अपना साथ जो छोड़ दिया छोड़ दिया, जो अपने साथ रहे उनको हम लेकर जाएंगे। जो हमारे साथ आना चाहते हैं, अपने कष्ट में कष्ट सहना चाहते हैं, उनको क्या करें हम अपने साथ ले जाएंगे। और उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। क्या है हमारा काम, क्या है, चलना है बच्चों। तो
अभिराम है सफल असफल सफलता सफलता और सफलता ये सब आपको बच्चों सीखना है। मैं आपका इसी ही बहुत से अभिराम है चलना हमारा काम है। क्या है? चलना ही रहना है, चलते ही रहना है जीवन में। कब तक चलना है? जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ आपसे? जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त करते तब तक हमें चलना है। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कोशिश करते हैं उनके साथ कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अगर भगवान का एक साथ हुआ तो साथ अगर हमें है तो दूसरों की आवश्यकता हमें नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा हमारा दुनिया का पालनहार है, दुनिया का पालनहार ही हमारे साथ है, हमें दुनिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हम अपनी प्रगति पा सकते हैं बच्चों। तो जीवन के पथ पर चलते हुए बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता है हमें, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बाधाओं का सामना करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और वे क्या कहलाते हैं? बड़े आदमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बड़े आदमी कहलाते हैं। अगर हमें चलते समय प्रगति के मार्ग पर अगर हम चलते समय अगर कोई हमें रुकावट भी आए, आ सकते हैं बच्चों, नहीं आ सकते हम ये कह नहीं सकते, रुकावट आते हैं, बहुत सारे रुकावट आते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। समझ रहे ना? भगवान भी अपनी परीक्षा लेता है। तो ये मनुष्य क्या है? तो भगवान की परीक्षा में हमें क्या होना है? पास होना है, उत्तीर्ण होना है। समझ रहे ना? तो आप एक बार अच्छे से इस कविता को पढ़ लो, बाद में इसका अर्थ समझ लो। मैं आपको व्हाट्सएप कर चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर का एक लिंक भेज चुकी हूँ बच्चों में आपको, आप उसमें देखकर इसका प्रश्न और उत्तर देख सकते हैं। एक बार आप कविता अच्छे से पढ़ लो, बाद में इसका भावार्थ भी समझ लो। धन्यवाद बच्चों।